हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल दी एमएस बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आईआईटी हैदराबाद की कट ऑफ्स बताऊंगा 2022 के लिए राउंड वन की। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं जो सर ने अपनी कट ऑफ्स रिलीज़ कर दी हैं सभी राउंड्स के लिए, राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत से न्यू व्यूअर्स भी होते हैं मेरे, तो उनको शायद अगर पता ना हो तो फिर मैं बताता हूँ कि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देता रहता हूँ, मैं वही रिपीट करता रहता हूँ। तो आईआईटी हैदराबाद की, इसके अंदर मैं बीटेक की सभी ब्रांचेस की कट ऑफ्स बताऊँगा, चाहे कोई भी हो, सिविल, सीएस या फिर जिसमें भी जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है, और सभी कैटेगरीज़ की, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी इसके अंदर कैटेगरी है, पूरे डिटेल में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ। और अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ आईआईटी हैदराबाद के बारे में। तो आईआईटी हैदराबाद फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यू आईआईटीज़ में से है, मतलब न्यू आईआईटीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे फास्ट ग्रोथ इसी ने किया है। इवन कुछ ओल्ड और बड़े आईआईटीज़ से भी ऊपर इसकी रैंकिंग आती है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ करी आईआईटी हैदराबाद ने, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। इसकी प्लेसमेंट वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले, और 2021 के लिए, 22 के लिए जल्द करने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो स्टार्ट कर दिया है हमने। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी रैंक है, सीआरएल नहीं है एक्सेप्ट जनरल, जनरल में सीआरएल ही होती है, आईआईटीज़ में कैटेगरी रैंक ही एक्सेप्ट होती है। सबसे अल्फाबेटिकली यहाँ पे ब्रांचेस हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ एरोस्पेस नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी ब्रांच है, इवन आईआईटी है। तो आप सबको पता है ब्रांचेज इसमें बहुत सारी ऐड हुई हैं, और बीटेक है ये। यहाँ पे एआई मतलब ऑल इंडिया, सी टाइप ओपन मतलब जनरल, 783 क्लोजिंग रैंक है, तो सीएस जैसे ही इसकी कट ऑफ है। सीएस अब मैं ये, आप ये मत बोलो कि, ये मत सोचना कि मतलब 100-200 कट ऑफ क्यों नहीं है, 783 है तो इलेक्ट्रिकल जैसी है। तो यार देखो, ये आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी बॉम्बे नहीं है, और वैसे ये बहुत अच्छी आईआईटी है, इसको आप आईआईटी धनबाद से भी कंपेयर नहीं कर सकते, आईआईटी धनबाद से बेटर है ये। वैसे कोई भी बेटर या डाउन नहीं होता, एज अ, मैं बता रहा हूँ एज अ रैंकिंग, एज अ प्लेसमेंट्स वाइज, या फिर बहुत से फैक्टर्स रैंकिंग पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी रैंक्स हैं, तो आपका जिस भी कैटेगरी से या जिस भी कैटेगरी का आपको देखना है, अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ब्रांच है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। देखो यहाँ पे बायो, एक चीज़ आपको नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, इवन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किसी भी न्यू आईआईटीज में शायद ही मिलेगी, क्योंकि अभी तक पूरा डिटेल मैं कंफर्म नहीं हूँ, डिटेल नहीं पता, मतलब ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ कि मैं न्यू आईआईटीज़ में शायद ब्रांचेज ऐड हुई होंगी बायोमेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी जैसी, लेकिन इस आईआईटी हैदराबाद में ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे 8933 है, और ये राउंड वन की कट ऑफ्स है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं, राउंड वन में कट ऑफ्स हाई रहती हैं, और वैसे आईआईटीज़ में ज़्यादा वो गिरती भी नहीं है कट ऑफ्स, तो इसको 9000 गई हुई है आईआईटी हैदराबाद के लिए, तो ब्रांच भी लो है, आपको पता है ये बात। नेक्स्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें 7674 है, 7674, और 10714 फीमेल के लिए, फीमेल के लिए इसमें कट ऑफ्स हाई है अकॉर्डिंग टू अदर आईआईटीज़ अगर देखा जाए तो। तो आईआईटी ये बहुत अच्छी है, आईआईटी हैदराबाद। तो नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, देखो ब्रांचेज में बहुत सारी ऐड हुई हैं ब्रांचेज, 6074 पे यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें, और 2022 के लिए जो प्लेसमेंट डिटेल है वो मैं जल्द लेके आने वाला हूँ, इसी वीक लेके आऊँगा, मतलब कि नेक्स्ट आने वाला जो वीक है इसमें कोशिश करूँगा, क्योंकि कट ऑफ्स की वीडियो बहुत सारी हो रही हैं, बीच में एक आध प्लेसमेंट की वीडियो भी अगर हो जाएगा तो बैलेंस मतलब एक सही रहता है, क्योंकि कट ऑफ ही पे सिर्फ वीडियो कट ऑफ। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे 7763 है। इवन यार देखो, बायोटेक्नोलॉजी से भी लो कट ऑफ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, न्यू आईआईटीज़ में लो ब्रांचेस नहीं है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, इवन न्यू एनआईटीज़ में भी नहीं है, न्यू कॉलेजेस में भी नहीं होते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि न्यू जो कॉलेजेस होते हैं उनको ग्रो करवाना रहता है, तो उसमें सिर्फ टॉप की ब्रांचेस रखते हैं, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, यही सब रखते हैं, सिविल, मैकेनिकल भी ठीक है, सिविल, बायोटेक, केमिकल ये सब नहीं रखते, लेकिन इसके अंदर रखा है इन्होंने, क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इवन आईआईटी पटना बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, आईआईटी पटना में भी ब्रांचेज ऐड हो रही हैं, और भी होंगी। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है, बीटेक ब्रांच बहुत अच्छी है, कट ऑफ से आपको पता लग जाएगा, 1550 है। तो वहीं पर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आप फीमेल के लिए 3260 है, तो कट ऑफ इसकी हाई है, ब्रांच अच्छी है, कंप्यूटेशनल नाम लग गया है ब्रांच के अंदर, ऐड हो गया, तो बस समझो कंप्यूटर साइंस है, लेकिन कंप्यूटर साइंस जैसी नहीं है। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है
यहाँ पे इतने सारे ब्रांचेस आने के बाद CS आ रहा है, मतलब CS इतने सारे ब्रांचेस के बाद आ रहा है। CS में 585 कट ऑफ है, CS की कट ऑफ सबसे हाई रहती है। तो देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर करना, जो सबसे ऊपर आई थी, CS से थोड़ा ही डाउन था ये। तो यहाँ पे CS लेना भी एक बेटर ऑप्शन है, अगर आपको टॉप 5-6 IITs में CS नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, या फिर वहाँ के आप डुअल डिग्री CS प्रेफर कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखो 2230 बिल्कुल ले सकते हैं, वैसे भी अगर आपको नहीं मिल रही है टॉप 5-6 में, अगर अच्छी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रही है, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहती है। इलेक्ट्रिकल एक अच्छी ब्रांच भी है, और यहाँ पे ब्रांचेस तो वैसे बहुत सारी अच्छी ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS है, कंप्यूटेशनल है, और फिर इलेक्ट्रिकल है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे। देखो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक और ब्रांच है यहाँ, IC डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी BTEC है यहाँ पे, 2231 है, और वहीं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल जो थी उसकी है यहाँ पे 2230। तो बिल्कुल एक, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, सिर्फ एक का डिफरेंस है इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी आपको देखना है, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपके कट ऑफ्स, आपको जब भी ज़रूरत पड़े इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, यहाँ 5657 है क्लोजिंग रैंक, और 10,000 से ऊपर चली गई है फीमेल के लिए, तो ये एक बेनिफिट मिलता है उनको फीमेल का, प्लस कैटेगरी वालों को तो हमेशा की तरह मिलता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग साइंस BTEC है यहाँ पे, ब्रांच ये भी अच्छी ब्रांच है, कट ऑफ आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, केमिकल और सिविल से भी हाई है इसकी कट ऑफ, 3500 केमिकल सॉरी नहीं बायोटेक्नोलॉजी से भी 3541 इसकी कट ऑफ है। क्लोजिंग रैंक ही हमारी कट ऑफ होती है, ओपनिंग रैंक कट ऑफ नहीं होती, ओपनिंग रैंक से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ब्रांच, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री BTEC है ये, 8180 है इसकी, 8180 और 13828 फीमेल के लिए है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ राउंड वन की नहीं, मैं पूरे 6 की 6 राउंड पे कट ऑफ वीडियो लेके आऊँगा IIT हैदराबाद के लिए, और सभी IIT 90 IIIT GFTI पे लेके आऊँगा। और नेक्स्ट जो ब्रांच है वो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग BTEC है, 7975 अप्रोक्स 8000 से थोड़ा सा हाई है, तो यहाँ फीमेल के लिए 13277 है। इवन IIT बॉम्बे दिल्ली की पूरी 6 राउंड की मैंने कट ऑफ्स कर दी हैं 2022 के लिए, पूरी डिटेल में राउंड 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉम्बे और दिल्ली की, मद्रास खड़गपुर कानपुर और इन सब की तो चल रही है अभी, उसके बाद लो IITs, फिर NITs, IIIT, GFTI और भी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, उनकी कट ऑफ्स कवर करनी है। और उसके बाद प्लेसमेंट वीडियोस में डेली लेके, मतलब वीडियोस डेली लाता हूँ जिसके अंदर प्लेसमेंट का भी वीडियोस, प्लेसमेंट वीडियोस होती हैं, रैंकिंग वीडियोस होती हैं, एडमिशन प्रोसेस वीडियोस होती हैं, बहुत सारी इससे एडमिशन से रिलेटेड सभी पे वीडियो मैं लेके आता हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देखो ब्रांचेज यहाँ पे बहुत सारी अच्छी ब्रांचेज हैं, सिर्फ CS नहीं है यहाँ, CS के साथ बहुत सारी टॉप ब्रांचेज है CS, जैसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ इसकी कट ऑफ देखो 1090 है, तो कट ऑफ भी इसकी बहुत हाई है अगर देखी जाए तो। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल तो बहुत ही फेमस है, 4747 इसकी क्लोजिंग है, फेमस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली सभी कॉलेज में इसका बैच साइज सबसे बड़ा होता है, मोस्टली 100% नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत से कॉलेज, लेकिन मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, वीडियो अगर जरा सी पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ, चाहे कभी भी लेके आऊँ लेकिन डेली लेके आता हूँ, टाइमिंग लेट हो जाता है लेकिन डेली लेके आता हूँ मैं। और कुछ भी पूछना या बताना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मुझे वहाँ DM कर सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत से IITs पे प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी कर दी है, NITs, IIIT और भी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज पे, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर और बहुत से IITs पे की है। जल्दी मैं IIT हैदराबाद की प्लेसमेंट करूँगा, बहुत से IITs की करूँगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।